दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। आज क्लास 7 नागरिक शास्त्र का हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, देश और राज्य। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो काफ़ी विशाल है। देश कई राज्यों में विभाजित है, देश कई देश दूसरे देशों से घिरा हुआ है। फिर इस पार्ट में हम अपने देश के और उसके राज्य के बारे में जानेंगे। जैसा कि मानचित्र में देख रहे हैं कि एक रंगीन पेंसिल लेकर इस मानचित्र में भारत की बाहरी सीमा पर फिरा है, इस सीमा के बाहर। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है कि भारत में कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से राज्य हैं, भारत कितने पड़ोसी देशों से लगा हुआ है, वो सब चीज़ के बारे में इसमें बताया गया। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों, जो भारत है वो किस में आता है? वो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये हमारा पूरा दोस्तों पूरा भारत है। तो भारत में यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान है, ये जो ये वाला देश है वो अफगानिस्तान है ना, और यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे चीन है, फिर यहाँ पे भूटान, बांग्लादेश, और यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे अरब सागर है, और यहाँ पे श्रीलंका है। तो इतने दो से उससे क्या हुआ है? भारत घिरा हुआ है। अब भारत में क्या है? भारत भी कई चीज़ों में बटा हुआ है। जैसे यहाँ पे इसको बोलते हैं ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है, ये पूर्वी, ये पश्चिमी, ये उत्तर, ये दक्षिणी है। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है छत्तीसगढ़, यहाँ पे कर्नाटक और तमिलनाडु, इस तरह से पूरा जो भारत है बटा हुआ है। और फिर दोस्तों यहाँ पे ये चीन है, चीन की इतनी पूरी सीमाएँ हैं। यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, और फिर कई सारे देश यहाँ पे वेस्ट इंडीज, कई सारे देश बटे हुए। यहाँ पे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, तुर्कमिस्तान, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, यहाँ पे कैस्पियन सागर है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा भारत और उसके आसपास के क्षेत्र, हमने कुछ देख लिए। आगे देखते हैं अब देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानचित्र में देखकर यहाँ पे भारत के पड़ोसी राज्यों के नाम। तो हमने देखा था पड़ोसी राज्य कौन कौन से हमारे, फिर इन देशों को मानचित्र में अलग अलग रंगों से रंगे, मानचित्र को अलग अलग तरीके से बनाया, उसको रंगे, वो सब का काम दिया हुआ है। तो इसमें कोई खास पढ़ने वाला चीज़ नहीं है। अब मानचित्र कोई अच्छे से पढ़ लें। और इसमें देखिए दोस्तों, ये बताया गया कि ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है, ये इंडोनेशिया का, और ये भारत का, तो हम जानते ही जानते हैं। अब फिर आगे देखते हैं दोस्तों, जिन राज्यों के नाम अपने यहाँ लिखा है उसकी सीमा पर अपनी उंगली फेरें। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे केरल है, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे पांडिचेरी है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया हमारा, यहाँ पे ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश है, यहाँ पे पूरा ये पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे बिहार, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये बीच वाला असम हो गया, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, और ये ऊपर वाला सिक्किम हो गया। इतने सारे राज्य हैं हमारे, इन सभी के बारे में बताया गया है। और बाकी इस मानचित्र में कुछ नहीं है। फिर देखते हैं दोस्तों, भारत में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश पर, यहाँ केंद्र सरकार का शासन चलता है। ऐसे इलाके जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर, नागर हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान, इन जगहों को आप शिक्षा की मदद से एटलस में पहचानें। तो मतलब दिल्ली कहाँ पे है, चंडीगढ़ कहाँ पे है, ये सब मैप में हमें सब दिख जाएगा। फिर अब तक तो आप भारत के सभी राज्यों को पहचान गए होंगे। आइए एक मज़ेदार पहेली सुलझाएं, भारत देश का नक्शा बनाएं। और भारत जोड़े नक्शे में भारत देश को अलग अलग राज्य अलग अलग जगहों पर बने हुए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये अब बता रहा है कि
1.1, 1.2 का उपयोग करके नीचे दिए नामों के समान भारत के राज्य लिखें। तो इनमें भारत के राज्य के नाम लिखना है कि भारत में कौन कौन से राज्य है, राजस्थान का कौन सा राज्य है, ये सब दोस्तों आप अपने से करिएगा, ये सब चीज़ बताने लायक नहीं है। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, ये भारत का मैप दिया हुआ है कि यहाँ पे ये, हमने इसको पढ़ा था भी अच्छे से कि यहाँ पे केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, ये सब देशों के बारे में हमने देखा। दोस्तों इस जो मैप है इसमें बस केवल हमें इतना ही जानना है कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं, भारत के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं और भारत किन किन सीमाओं को छूता है, बस यही सब हमें इस चैप्टर में जानना है, बाकी इसमें कुछ नहीं जानना है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद, आगे चैप्टर देखेंगे फिर हम।